नमस्ते बाल दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जो आप सभी लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो यूट्यूब पे सबसे पहले आपको देखने को मिले। आज हम बाल दोस्तों हिंदी के अंदर भाषा सज्जता यानी कि ग्रामर के विषय, हिंदी ग्रामर आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ हम विराम चिन्ह नाम का टॉपिक पे बात करें, जैसे कि वाक्य के अंदर कभी कभी पूर्ण विराम होता है, अल्प विराम होता है, प्रश्न चिन्ह होते हैं, उद्गार वाक्य होते हैं, तो इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलो बात दोस्तों इनके बारे में कुछ जानिए। भाषा सज्जता, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। तो यहाँ वाक्य दिए गए, हमें वाक्य को पढ़ना है। पहला वाक्य, हम पाठशाला जाते हैं। दूसरा वाक्य है, विनय तुम्हारा गुरु कार्य पूरा हो गया। फिर से बोल रहा हूं, विनय तुम्हारा गुरु कार्य पूरा हो गया। तीसरा वाक्य, वाह क्या शानदार छक्का मारा। तो इन वाक्यों में चिन्ह आए हैं, कौन से कौन से चिन्ह है? तो पहला देखो, पूर्ण विराम जैसा, प्रश्नचिन्ह, फिर अल्प विराम और उद्गार चिन्ह। प्रत्येक चिन्ह अपना विशेष भाव और अर्थ रखता है। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में रुकना पड़ता है। इस रुकावट के संकेत देने वाले लिपि चिन्ह को क्या कहते हैं? विराम चिन्हों कहते हैं। याद रखना बाल दोस्तों, तो किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ने और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में जो रुकना पड़ता है, इस रुकावट के संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। तो पहले वाक्य में क्या आया था? पूर्ण विराम। दूसरे वाक्य में दो चिन्ह आए थे, एक अल्प विराम और प्रश्न चिन्ह। और तीसरे वाक्य में क्या आया है? उद्गार चिन्ह। समझ गए बाल दोस्तों? तो बाल दोस्तों यहां हम सभी विराम चिन्हों के बारी बारी परिचय करेंगे। जैसे कि नीचे विभिन्न विराम चिन्हों का परिचय दिया गया है, तो सबसे आता है पूर्ण विराम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। तो लिखते समय जिस स्थान पर वाक्य पूर्ण होता है वहां पूर्ण विराम का चिन्ह रखा जाता है। याद रखना बाल दोस्तों, पहला जो टॉपिक है हमारा पूर्ण विराम, लिखते समय जिस स्थान पर वाक्य पूर्ण होता है वहां पूर्ण विराम का चिन्ह रखा जाता है। जैसे कि पहला है, हमारे देश का नाम भारत है, तो आप पीछे देख रहे हो जो उभी लाइन, उसको हम पूर्ण विराम कहेंगे हिंदी के अंदर। और गुजराती के अंदर बिंदु आता है, जो टपका कहते हैं वो पूर्ण विराम होता है, और इंग्लिश के अंदर वही आता है। दूसरा है, हम अहमदाबाद गुजरात का प्रमुख नगर है, तो यहाँ भी पूर्ण विराम किया है। समझिए बात दोस्तों। दूसरा है अल्प विराम, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम कॉमा। तो वाक्य पढ़ते समय जब थोड़ी देर के लिए रुकना हो, वाक्य पढ़ने समय जब थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहां अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे कि पहला वाक्य, माँ आज मेरा जन्मदिन है। समझे गए बाल दोस्तों? यहां मैं क्या किया, वाक्य बोला और थोड़ा रुक गया, जैसे कि माँ आज मेरा जन्मदिन है। दूसरा देखते, पसहाड़, सावन, भादो और आश्विन वर्षा ऋतु के महीने हैं। समझ गए बाल दोस्तों? यहां हम एक एक शब्द पे रुके हैं। तो हमने दो बातें की, एक पूर्ण विराम की और अल्प विराम। समझ गए? पूर्ण विराम के वाक्य के अंत में आता है, अल्प विराम जहां वाक्य पढ़ते समय थोड़ा रुकना पड़ता है तभी अल्प विराम लगाया जाता है। तीसरा वाक्य, प्रश्न वाचक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में कहते मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव, और आपने वो निशान भी देखा होगा वो प्रश्नांक का। तो किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने, प्रश्न पूछने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। समझ गए बात दोस्तों? किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने या प्रश्न पूछने हेतु उपयोग में लिए जाने वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि आपका नाम क्या है, दूसरा सवाल गाड़ी कब आएगी। यहां बराबर देखना बाल दोस्तों, उच्चारण क्या है। जैसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, गाड़ी कब आएगी,
जैसे सवाल पूछते हैं इस तरह अपने को यहाँ पे पूछना है, और अंत में हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह खास लिखना है। चौथा, विस्मयादिबोधक चिन्ह लेके मार्क ऑफ एक्सलेमेंस है, लेके उद्गार चिन्ह, गुजराती में हम इसको क्या कहते हैं, उद्गार चिन्ह। तो बात करते समय कभी कभी हम हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने को उद्गार कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कि आज कितना खुश हूं, तो यहां हर्ष की लागनी दिखाई दे रही है। दूसरा, हाय अब मैं क्या करूं, यहां शोक की लागनी है। तीसरा, छी कितने गंदे हो तुम, ये घृणा की लागनी है। चौथा, अरे यह रस्सी सांप कैसे बन गई, आश्चर्य। और पांचवा है, वाह क्या कविता है, ये प्रशंसा। तो बाल दोस्तों, यहां सभी हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा, इन सभी में क्या कौन सा चिन्ह यूज किया, विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग किया गया, यानी कि उद्गार वाक्य किए गए। तो इसके अंत में आप देख सकते हैं यहाँ उद्गार का एक लीटी खींच के उसके नीचे एक बिंदु है। तो याद रखना बाल दोस्तों, विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन कौन से, तो जिसका हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट होता है उसी समय विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। समझ गए बाल दोस्तों? हाँ बाल दोस्तों, ये सभी हम विराम चिन्हों की बात करें, आप सभी एक नोटबुक में लिख लेना और तैयार भी कर देना। बाल दोस्तों, आगे का है हमारा पांचवा योजक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइफन। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, याद रखना बाल दोस्तों, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक नंबर, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। दूसरा, सुख दुख सबके जीवन में आते हैं। तो बाल दोस्तों, यहाँ छोटा बड़ा और सुख दुख, इस दोनों के बीच में एक योजक चिन्ह दिया गया। देखो एक लीटिंग की गई, एक योजक चिन्ह है, तो यहाँ छोटा बड़ा और सुख दुख में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। छठा है निर्देशक चिन्ह, जिसको हम कहते हैं डैश। तो इसमें आप लोगों योजक चिन्ह में देखो हाइफन और डैश दोनों में कोई डिफरेंस, दोनों सेम ही लग रहे हैं, परंतु उसका उच्चारण कैसे होता है, किस कहां यूज होता है, उसको समझना है। तो निर्देशक चिन्ह की बात करें, वाक्य में किसी बात की स्पष्टता करने के लिए निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है, याद रखना बाल दोस्तों, कि वाक्य में किसी बात की स्पष्टता करने के लिए निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि पहला है, कृपया मुझे निम्नलिखित पुस्तकें भेज दिए, फिर क्या किया गया, डैश किया गया। दूसरा है, ये नए लड़के टीम में लिए गए, वे थे, फिर डैश किया कौन से, अशोक, मोहन, गणेश। बातचीत काउंस में दिया गया, वार्तालाप काउंस पूरा में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, याद रखना। पहले में क्या किया गया कि कृपया मुझे निम्नलिखित पुस्तकें भेज दिए, उसमें यूज हुआ। ब में क्या किया, बातचीत के वार्तालाप में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दुकानदार, फिर डैश एटले निर्देशक, आपको क्या चाहिए, दुकानदार, फिर डैश आपको क्या चाहिए। तो इस तरह यहाँ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ गए बाल दोस्तों? सातवां है हमारा कोष्टक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट। तो किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे कि आज विद्युत, यानी कि कौश में विद्युत का मतलब क्या होता है, बिजली का उपयोग बढ़ गया है। समझ गए बाल दोस्तों? इसमें ब्रैकेट का उपयोग क्यों यूज होता है, क्योंकि किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया कि आज विद्युत, इसमें मैंने इसका मतलब क्या दिया गया कि विद्युत का मतलब बिजली का प्रयोग बढ़ गया है। आठवां है अवतरण चिन्ह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ दो अवतरण चिन्ह आते हैं, एक तो एक हरा अवतरण चिन्ह और दूसरा दो हरा अवतरण चिन्ह। अब इनका यूज, इनका उपयोग कैसे होता है, उनके बारे में जाने। पहला है एक हरा अवतरण चिन्ह, यानी एक, तो एक हरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक के आदि को उद्गुत करते समय किया जाता है। जैसे कि पहला है, हमने दयालु शिकारी
कहानी पढ़ी। तो यहाँ देखो किसको युद्धिष्ठ के दयालु शिकारी को, दूसरा है गोपाल दास नीरज प्रसिद्ध कवि है, तो यहाँ किसको अलग किया है नीरज। तो यहाँ उपनाम रचना या पुस्तक के शीर्षक को उद्गुत करते समय एक हरा अवतरण चिन्ह किया गया है। दूसरा है दोहरा अवतरण चिन्ह, दोहरा यानी कि किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्गुत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया, यानी कि कोई व्यक्ति कभी कोई व्यक्ति कथन यानी कि कोई कुछ वाक्य बोलते हैं तो उनको किसमें दोहरा अवतरण चिन्ह में हम बताते हैं। जैसे कि नेहरू चाचा कहते थे, क्या कहते थे, आराम हराम है, तो इनमें देखो इनमें दोहरा अवतरण चिन्ह का उपयोग किया गया। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, तो इसको भी हमने दोहरा अवतरण चिन्ह में समावेश किया गया। तो समझ गए बाल दोस्तों इकरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह कहाँ यूज होता है वो आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे। अब प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाए। तो बाल दोस्तों अब आप लोगों ने विराम चिन्ह बराबर ध्यान से एक एक बारी बारी समझ गए होंगे। अब यहाँ वाक्य दिए गए हैं उनको आपको विराम चिन्ह लगाने हैं, समझ गए। तो यहाँ वाक्य दिया गया है, आप पहले वाक्य पढ़ लिए। पहला है छी 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 तुमने यह क्या किया, दूसरा है वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो, तीसरा वाह मजा आ गया, और चौथा अरे तुम नहीं गए। तो इनमें वाक्य में विराम चिन्हों का उपयोग करना है। और याद रखना बाल दोस्तों ऐसे एग्जाम यानी कि परीक्षा के अंदर आपको वाक्य दिए गए होंगे और उनको लिखा होगा सूचना दिया होगा कि निम्नलिखित वाक्यों के उचित विराम चिन्ह कीजिए, तो आप इनको विराम चिन्ह में रूपांतरित करें। तो पहला वाक्य है छी छी तुमने यह क्या किया, दूसरा है वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो, देखो यहाँ अल्पविराम और दोहरा अवतरण चिन्ह उपयोग किया गया। पहले में क्या किया विस्मय बोधक उद्गार चिन्ह, तीसरा वाह मजा आ गया, यहाँ भी विस्मय बोधक उद्गार चिन्ह, चौथा अरे तुम नहीं गए, जो अरे में पहले क्या गया उद्गार चिन्ह और तुम नहीं गए उसमें पूर्ण विराम। तो बाल दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आपको, जो अच्छा लगा तो लाइक करना, और जो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना, जिससे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाले नए वीडियो आप सभी को सबसे पहले देखने को मिले। और हाँ बाल दोस्तों यह वीडियो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिससे भी उनका भी फायदा हो। थैंक यू, धन्यवाद, आभार। बाल दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो अच्छा लगा तो लाइक करना, और आप लोग सभी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना जिससे आने वाले वीडियो आप सभी को सबसे पहले यूट्यूब पे देखने को मिले। धन्यवाद, आभार।